फ्रेंड्स, सोमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कश्मीरी दम आलू। तो देख लीजिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमने ये आलू ले लिए हैं, हमने आलू बॉईल कर लिए हैं। अब इसमें हमने आलू एक के दो कर लिए हैं, देख लीजिए काट लिए हैं हमने। और अब इसमें हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये देखिए आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। और देखिए थोड़ी सी हमने ये हल्दी डाल दी है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और फिर हमने पैन रख दिया है ये, और अब इसे हम इसमें फ्राई करेंगे। देखिए हमने ये मिक्स कर लिया है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें तेल रख दिया है ये और अब इसे हम फ्राई करेंगे आलू को। इसमें डालेंगे, ये हमारा तेल हो गया है और इसमें हम सारे आलू डाल देंगे एक एक करके। फिर आपको दिखा देंगे हम और अब इसे हम फ्राई करेंगे। इससे हमारा कलर बहुत अच्छा आता है। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम मसाला बना लें इसका। तो हमने आधा चम्मच मिर्च ली है, काली मिर्च। एक चम्मच हमने धनिया लिया है, तीन हमने लौंगी ली है, आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, दो हमने इलायची ली है छोटी, एक ये हमने स्टिक ली है दालचीनी की, आधा चम्मच हमने लिए सौंफ। तो इन सबको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और हम इसे पीस लेंगे। तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको। हमारे आलू हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है देखिए। आलू को हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। ये हल्का सा हम इस मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं पीस के से रोस्ट करके हम इसे पीसेंगे। मसाला पीस लिया है। ये एक कटोरी हमने दही ले ली है और अब इसमें हम ये हमने जो भुना था मसाला ये हम डाल देंगे, इससे हमारी दही फटेगी नहीं। और एक चम्मच हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये देखिए, और ये भी हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो देखिए हमने ये मिक्स कर लिया है और अब हमारी तैयारी सब कुछ हो गई है। अब इसको हम ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। और इसमें हमारा तेल हो गया है, अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। ये हमारी हींग हो गई है और आँच हल्की होने देंगे, हल्की रखेंगे आँच। और अब ये दही का जो मिक्सर है ये हम डाल देंगे इसमें और इसको चलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये भी हम डाल देंगे। ये देखिए 5 मिनट हम इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। हम लाल मिर्च डाल देंगे, और लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये आधा चम्मच नमक डाल देंगे क्योंकि हमने आलू में भी डाला है जो नमक। और इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो इसमें उबाल आ गया है और अब इसमें हम फ्राई करे हुए आलू डाल देंगे। ये देखिए ये सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने सारे आलू डाल दिए हैं और अब इसे हम 10 मिनट के लिए हल्की आँच में थोड़ा सा दम लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हम हल्की आँच में इसे रख देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने दम लगाने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिए हैं, आँच हमने हल्की कर दी है बिल्कुल। देखिए दोस्तों अब इसे हम खोलते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है हमारा। और अब इसको हम देखिए इतना अच्छा कलर आया है दोस्तों कि हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसमें आधा चम्मच हम ये देखिए गरम मसाला डालेंगे और ये हमारा तैयार हो गया है कश्मीरी दम आलू। बहुत आसानी तरीके से बनाया हमने। तो आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है ये। और आपको अब हम
ये डिश आउट करके दिखाते हैं हम आपको। फ्रेंड्स, हमारी कश्मीरी दम आलू तैयार हो गए हैं और ये देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बनाए हैं हमने। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।